गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज है 17 मई 2020। तो हम आज पढ़ेंगे 17 मई 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। तो मैं स्टार्टिंग में आपसे कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में रोज़ एक टारगेट बनाइएगा, क्योंकि टारगेट के बिना ज़िंदगी अधूरी है। जैसे मैंने एक टारगेट बनाया है कि मैं बहुत जल्द 30 जून 2020 तक अपने इस चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करूँगा, लेकिन ये आपकी बिना सहायता के नहीं हो सकते। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के कॉन्सेप्ट्स पर। हम आज के क्वेश्चन पढ़ने से पहले कुछ प्रीवियस क्वेश्चन की रिवीजन करेंगे, ताकि हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो हमें याद हो जाए। तो सबसे पहले हम देख लेंगे बेटा कि जो लुईस हैमिल्टन है, हम सभी जानते हैं कौन से देश से हैं, यूनाइटेड किंगडम से हैं। उन्होंने कौन कौन सी ग्रैंड प्रिक्स जीती है 2019 में, तो एक बार उन सब की रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, तो ये किसने जीता है, लुईस हैमिल्टन ने। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, लुईस हैमिल्टन ने। चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स, लुईस हैमिल्टन। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, लुईस हैमिल्टन। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, लुईस हैमिल्टन। मैक्सिकन ग्रैंड प्रिक्स, लुईस हैमिल्टन। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, रशियन ग्रैंड प्रिक्स, अबूधाबी ग्रैंड प्रिक्स और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। तो ये सभी की सभी किसने जीती है, लुईस हैमिल्टन ने, याद रखना, ठीक है। और अगर आपने नोट कर लिया तो ठीक है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं आगे बेटा, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्लेयर जो है वल्तारी बोटास। सबसे पहले तो याद रखना वल्तारी बोटास किस देश से हैं, तो ये फिनलैंड से हैं, और फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, लेक कंट्री, झीलों का देश। तो इन्होंने कौन कौन सी ग्रैंड प्रिक्स जीती है, सबसे पहले US, जैपनीज, ऑस्ट्रेलियन और अजरबैजान। तो ये किसने जीती है, वल्तारी बोटास, ये किस देश से हैं, फिनलैंड से हैं। बढ़ते हैं बेटा आगे, और मई चल रहा है तो मैं हर रोज़ आपको रिवाइज करवाता हूँ जो मई के डेज हैं, और इसमें हम रिवीजन करेंगे जो इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ इज सेलिब्रेट एवरी ईयर। जो मिडवाइफ दिवस है वो कब मनाया जाता है, हर साल, ये आपने बताना है। तो ये मनाया जाता है बेटा 5 मई को। कितनी तारीख को, 5 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 2020 जो है WHO ने किसको समर्पित किया है, नर्स और मिडवाइफ को। और नर्स डे कितनी तारीख को होता है, तो नर्स डे होता है बेटा 12 मई को, और 5 मई को कौन सा डे होता है, मिडवाइफ डे। अब बेटा हमने इसका क्या याद रखना है, थीम याद रखना है। तो थीम है मिडवाइफ्स विद वुमेन, सेलिब्रेट, डेमोस्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनिट, अवर टाइम इज नाउ, ठीक है। तो ये याद। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थमा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो बेटा याद रखना जो अस्थमा डे है ये मई के फर्स्ट ट्यूसडे को सेलिब्रेट किया जाता है, फर्स्ट ट्यूसडे यानी कि पहले मंगलवार। और इस बार फर्स्ट ट्यूसडे बना था 5 मई का, तो 5 मई को सेलिब्रेट ये किया गया। और इसका जो थीम था इनफ अस्थमा डेथ्स, तो क्या थीम था, इनफ अस्थमा डेथ्स, ये आपने याद रखना है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के स्टैटिक्स में हम छत्तीसगढ़ को, और उसके बाद बढ़ेंगे 17 मई 2020 के करंट अफेयर की तरफ। सबसे पहले बात आती है छत्तीसगढ़ इस्टैब्लिश कब हुआ, स्थापित कब हुआ। तो बेटा याद रखना 1 नवंबर 2020। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, कैपिटल है रायपुर, कैपिटल रायपुर, और सबसे जो लार्जेस्ट सिटी है, बड़ा शहर भी कौन सा, रायपुर। ये मैप में आप देख सकते हो यहाँ पर है ये छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं आगे, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सीएम। अगर यहाँ के सीएम की बात की जाए, चीफ मिनिस्टर की बात की जाए, श्री भूपेल बघेल जी जो हैं, भूपेश बघेल जी यहाँ के सीएम हैं। और अगर बात की जाए यहाँ के गवर्नर की, तो गवर्नर है अनसुईया उइके, ठीक है, उइके, अनसुईया उइके जो है यहाँ के गवर्नर हैं। बढ़ते हैं आगे, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर इसकी बाउंड्री की बात की जाए छत्तीसगढ़ की, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर और पश्चिम में मध्य प्रदेश है, और इसके नॉर्थ में उत्तर प्रदेश है, और इसके नॉर्थ ईस्ट में झारखंड है, और इसके जो साउथ वेस्ट में है वो है महाराष्ट्र। तो ये इसकी बाउंड्रीज है जो अदर स्टेट से ये शेयर करता है। इसके अलावा और जो स्टेट है उनमें है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है वो साउथ में है, और ओडिशा जो है वो साउथ ईस्ट में है, ठीक है। तो काफ़ी राज्य इसके साथ टच होते हैं, ये आप देख सकते हो। बढ़ते हैं आगे, डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 28 डिस्ट्रिक्ट हैं,
विधानसभा की बात की जाए तो 91 विधानसभा की सीटें हैं, लोकसभा की बात की जाए तो 11 लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की बात की जाए तो 5 राज्यसभा की सीटें हैं। इसके बाद हाईकोर्ट की बात की जाए तो बिलासपुर यहाँ का हाईकोर्ट है, और चीफ जस्टिस की बात की जाए तो पीआर रामचंद्रा जो मेनन है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगर नेशनल पार्क देखें तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जिसको संजय नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, इंद्रावती नेशनल पार्क और कंगेर घाटी नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। आगे छत्तीसगढ़ में अगर थर्मल पावर प्लांट की बात की जाए तो सबसे पहले है कोबरा सुपर थर्मल पावर प्लांट, फिर है सिप्ट सुपर थर्मल पावर प्लांट, और फिर है राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, याद रखना। बढ़ते हैं आगे और छत्तीसगढ़ को किन किन नामों से जाना जाता है और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले है छत्तीसगढ़ को राइस बॉल ऑफ इंडिया, यानी कि चावल का कटोरा कहा जाता है, और विषम में चावल का कटोरा किसे कहते हैं? विषम में कहते हैं क्यूबा। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा भारत में चावल कहाँ होता है। अगर प्रश्न आए भारत में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होता है, तो भारत में सबसे ज़्यादा चावल वेस्ट बंगाल में होता है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि बाउल किसे कहा जाता है, फिर छत्तीसगढ़ होगा। बस्तर का जो दशहरा है वो यहाँ का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, छत्तीसगढ़ का जो बस्तर का दशहरा है। एयरपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जो एयरपोर्ट है वो नया रायपुर में है, और यहाँ पर है चित्राकूट वाटरफॉल। ठीक है, तो चित्राकूट वाटरफॉल कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। बढ़ते हैं इसके अलावा कुछ और फेमस यहाँ पर चीज़ें हैं, जैसे कि कोट समर गुफा अगर आपसे पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ में है। सिरपुर ग्रुप ऑफ माउंटेन कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। भोरमदेव टेम्पल कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। और शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम छत्तीसगढ़ के कहाँ पर है? नया रायपुर में है। बढ़ते हैं इसके आगे और देखते हैं बच्चों आज के प्रश्नों को, जो आज के प्रश्न बनेंगे 17 मई 2020। तो बढ़ते हैं, सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में कौन से राज्य फसलों की खेती के लिए विनियमित करने वाला पहला राज्य बन गया? इसका मतलब सरकार ये बताएगी कि किसानों को कौन सी फसल आपने उगानी और कौन सी फसल नहीं उगानी। ऐसा राज्य बन गया है पहला तेलंगाना। कौन सा? तेलंगाना। अब बात करते हैं हम तेलंगाना की। तेलंगाना बना 2 जून 2014 को। तो 2 जून 2014 को क्या बना तेलंगाना? कैपिटल है हैदराबाद। कैपिटल कौन सी है? हैदराबाद। और हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद। और एक और चीज़ याद रखनी है कि विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहाँ पर बन रहा है? तो वो भी कहाँ पर बन रहा है? हैदराबाद में बन रहा है। मैं मेरे लास्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। तेलंगाना की कुछ और स्कीम है वो भी याद रखना है। एक स्कीम है रायतू मित्र, ये भी किसानों के लिए है, रायतू मित्र। और एक है रायतू बंधु, रायतू मित्र और रायतू बंधु। तो ये दोनों स्कीम कौन सा राज्य लेकर आया है? तेलंगाना लेकर आया। किसके लिए? अपने किसानों के लिए। लेकिन यहां पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक स्कीम है बेटा रायतू भरोसा। अगर रायतू भरोसा पूछे तो रायतू भरोसा आंध्र प्रदेश की है, ये आपने ध्यान रखना है। रायतू मित्र और रायतू बंधु कहाँ की है? तेलंगाना की है। और रायतू भरोसा कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहाँ पर बनेगा? हैदराबाद में। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखना, 2020 तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के रूप में सेलिब्रेट करेगा। 2020 को किस रूप में सेलिब्रेट करेगा? तो याद रखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के रूप में सेलिब्रेट करेगा तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ के द्वारा लॉन्च की गई है। छत्तीसगढ़ की हम सारी डिटेल कर चुके हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। 5100 करोड़ रुपए इस स्कीम पर खर्च किए जाएंगे। 5100 करोड़ स्कीम क्या है, ध्यान से सुन लो, कि जिन किसानों को फसल का मूल्य कम मिला है सरकार उन्हें अपनी तरफ से पेमेंट करेगी। ठीक है, याद रखना, जिन किसानों को फसल का मूल्य कम मिला है सरकार उन्हें अपनी तरफ से पेमेंट करेगी, याद रखना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ है। COVID-19 को लेकर अभी छत्तीसगढ़ ने एक ऐप लॉन्च की थी, याद रखना, रक्षा सर्व।
तो रक्षा सर्व ऐप किसने लॉन्च की थी? छत्तीसगढ़ ने, ये आपने याद रखना है। और एक और चीज, मनरेगा में, मनरेगा जो है, मनरेगा में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला भारत का कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ ने मनरेगा के अंडर सबसे ज्यादा रोजगार दिए हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो राजीव गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी पर इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। और डेथ एनिवर्सरी कब होती है राजीव गांधी जी की? 21 मई को। तो 21 मई को ये स्कीम लॉन्च होगी, अभी इसकी अनाउंसमेंट हुई है। राजीव गांधी जी हमारे देश के सबसे यंग पीएम थे, मात्र 44 ईयर की एज में वो पीएम बने थे। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेशनल डेंगू डे है कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो नेशनल डेंगू डे 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी दिन एक डे और सेलिब्रेट किया जाता है, 16 मई को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट पहली बार 1960 में सेलिब्रेट किया गया। 16 मई को एक डे और होता है, ये भी याद रखना। 16 मई 1975 को सिक्किम बना था, तो सिक्किम का जो स्थापना दिवस है वो भी कब होता है? 16 मई को होता है। और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। सिक्किम भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? विच प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड टू मेक ट्राइबल यूथ स्किल, ठीक है? तो उस प्रोग्राम का नाम है बेटा गोल। क्या नाम है? गोल। गोल का फुल फॉर्म भी याद रखना है, गोइंग ऑनलाइन एज, गोइंग ऑनलाइन एज, ठीक है? मैं फिर से लिख देता हूं, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर। तो फुल फॉर्म आपने याद रखना है, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसमें जो हेल्प करेगा, इसमें जो हेल्प करेगा वो फेसबुक इंडिया, इसमें हेल्प करेगा फेसबुक इंडिया, इसमें क्या करेगा? हेल्प। और हमारे ट्राइबल मिनिस्टर कौन है? ट्राइबल मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा जी जो है वो ट्राइबल मिनिस्टर है। और यहीं पर एक चीज याद रखना कि आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अभी प्रेसिडेंट किन्हें बनाया गया है? अर्जुन मुंडा को बनाया गया है। और जो यहाँ पर होप लिखा है, ये भी पूछा जा सकता है, होप पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो होप पोर्टल लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। होप पोर्टल किसने लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने। बढ़ते हैं बेटा आगे, और नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने किस नाम से आईसीजी, आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड नाम के जहाज को कमीशन किया है? आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है, कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी को, कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। और इस शिप का नाम है सचेत, याद रखना। क्या नाम है? सचेत। इसके साथ 2 बोट भी लॉन्च की है, कमीशन दिया, कमीशन का मतलब होता है शामिल करना। 2 बोट है C450 और C451, ये इंटरसेप्टर बोट है। तो 2 इंटरसेप्टर बोट इसमें लॉन्च की है, एक शिप लॉन्च की है सचेत, ठीक है, याद रखना। और ये ई कॉन्फ्रेंस से लॉन्च किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई शिप को कमीशन दिया गया है ई कॉन्फ्रेंस से। और यहीं पर अगर बात की जाए INLCU L57, तो ये भी एक शिप है और इसको कमीशन दिया गया है इंडियन नेवी में। और वहीं पर आप 2 नाम देख रहे हो, जलाशय और मगर। अभी इसको इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन पर भेजा था, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है किस ऑपरेशन पर भेजा था, क्योंकि मैं ये करवा चुका हूं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य यूटी की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेडगियर लॉन्च किया है? तो ये है बेटा दिल्ली, दिल्ली ने, ठीक है, याद रखना। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट, हाल ही में किस आईआईटी ने MIRAHD COVID-19 डैशबोर्ड विकसित किया है, यानी कि डेवलप किया है, ठीक है? तो इसका जो आंसर बनेगा आईआईटी गांधीनगर। कौन सा बेटा? आईआईटी गांधीनगर। गांधीनगर किसकी कैपिटल है? गुजरात की, ठीक है। और एक और चीज याद रखनी, प्राणवायु नाम का एक वेंटिलेटर बनाया है, तो प्राणवायु नाम का वेंटिलेटर किस आईआईटी ने बनाया है? आईआईटी रुड़की। तो आईआईटी रुड़की ने क्या बनाया है? प्राणवायु नाम का वेंटिलेटर, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 और 21 में
ग्यारहवीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये बेटा किया जाएगा महाराष्ट्र में। किस में? महाराष्ट्र में। अगर वहीं वुमेन की बात की जाए तो वुमेन का होगा यूपी में। किस में? यूपी में। और कोरोना से लड़ने के लिए यूपी सरकार ने कौन सी टीम बनाई है? टीम 11। ठीक है, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो अगर महाराष्ट्र के सीएम पूछा जाए तो सीएम है उद्धव ठाकरे। गवर्नर पूछा जाए तो गवर्नर है भगत सिंह। ठीक है बेटा, कौन? भगत सिंह। और तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट अगर पूछा जाए, तारापुर, तो वो भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा केव अगर आपसे पूछा जाए, ये रेलवे में आया हुआ प्रश्न है, एलिफेंटा केव कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इसके बाद नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, JL नेहरू पोर्ट लिख रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट 2016 SBI क्लर्क में आया था ये क्वेश्चन। तो जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है ये बेटा मुंबई में है। वहीं पर महाराष्ट्र की बात करें तो लोकसभा, लोकसभा की सीटें हैं 48, राज्यसभा की सीटें हैं 19, विधानसभा की सीटें हैं 288। ये आपने याद रखना है, ठीक है, महाराष्ट्र को लेकर। आगे बढ़ते हैं बेटा। और नेक्स्ट, हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसे जो वनडे क्रिकेट टीम का कैप्टन बनाया? तो बाबर आजम को बनाया है। किसे? बाबर आजम। इंडिया और पाकिस्तान में कौन सी लाइन है, ये भी पूछा जा सकता है। रेड क्लिफ स्टैटिक का क्वेश्चन बनता है। और एक ये प्रश्न आया हुआ है बेटा कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनकी पार्टी का क्या नाम है? ये कई बार पूछा गया है तो याद रखना, पाक तहरीक ए इंसाफ, पाक तहरीक ए इंसाफ पार्टी का नाम है। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ आपने याद रखनी है, राहुल देव नाम काफ़ी चर्चित है, राहुल देव पाकिस्तानी एयरफोर्स में पहले हिंदू पायलट बने हैं। राहुल देव पाकिस्तानी एयरफोर्स में पहले हिंदू पायलट बने हैं, राहुल देव। और एक और चीज़ कि पाकिस्तान की जो पहली बार अनाउंसमेंट, पहली बार डिमांड किसने की थी, ये प्रश्न कई बार पॉलिटी में आता है तो याद रखना, चौधरी रहमत अली ने, चौधरी रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान की डिमांड की थी। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में पद्म भूषण विजेता प्रोफेसर अजी सुमन सुजमन का निधन हो गया, वह किस देश से थे? बांग्लादेश से थे। एक्चुअली में बेटा उनका जन्म तो कोलकाता में हुआ था, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान बना तो वो बांग्लादेशी, यानी कि उस समय का जो ईस्ट पाकिस्तान था उसमें चले गए। बांग्लादेश की जो कैपिटल है, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। करेंसी यहाँ की है टका, करेंसी क्या है? टका। और भारत का सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है। बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट, हाल ही में किसने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी की है यूएनओ ने। किसने बेटा? यूएनओ। यूएनओ कब इस्टेब्लिश हुआ? 24 अक्टूबर 1945। तो 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है। मेंबर कंट्री कितने हैं? 193, 193 मेंबर देश है। लास्ट मेंबर कौन सा है? साउथ सूडान। और साउथ सूडान की कैपिटल क्या है? जुबा। जुबा यहाँ की कैपिटल है। और यूएनओ के प्रेसिडेंट कौन है? एंटोनियो गुतरस। कौन है? एंटोनियो गुतरस। ठीक है, और यूएन ने बताया कि जीडीपी का पूरे विश्व में कितना ग्रोथ रहेगा? 1.2% लगभग ग्रोथ रहने का अनुमान है, ये बताया गया। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार ने AIIB का फुल फॉर्म एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर का जो एग्रीमेंट किया है? 145 मिलियन डॉलर का एग्रीमेंट किया है। ठीक है, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैंक है, हेड ऑफ इसका जो हेड ऑफिस आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं मेरे लास्ट लेक्चर में पूरा डिस्कस कर चुका हूँ। वेस्ट बंगाल की बात करें तो सीएम है ममता बनर्जी। और यहाँ से एक स्टैटिक क्वेश्चन आता है, फरक्का डैम, फरक्का डैम किस राज्य में है? वेस्ट बंगाल में है। और सुंदरवन कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल के कोलकाता में है। और हमारे देश में जो पहली अंडरग्राउंड वाटर जो मेट्रो है वो कहाँ चलेगी?
वेस्ट बंगाल में चलेगी, कौन सी नदी में चलेगी, हुगली नदी में चलेगी, और हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर है, कोलकाता। तो ये था 17 मई 2020 का सेशन, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।